हेलो 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 फ्रेंड्स, तो आज है हमारा डे 1375 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। तो आज मैं आपको जो है सी एस एस में सेलेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कल हमने जो है सी एस एस का इंट्रोडक्शन दिया था। सी एस एस क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, किस तरह से स्टाइलिंग और डिजाइनिंग की जाती है, और हम अपनी वेबसाइट को सुंदर कैसे बना सकते हैं सी एस एस के माध्यम से, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है कल आपको देने की कोशिश की थी। अभी हमारी सेकंड वीडियो है सी एस एस के ऊपर, और हमारे इस कोर्स की 75 चैलेंज की 13 वीडियो है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगी, और एक छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कुछ कुछ लोग कमेंट करते हैं, मुझे सच में पढ़कर को जेनुअनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको मैं रिप्लाई भी देता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि जो है आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। जेनुअनली लाइक से पता चलता है, सब्सक्राइब से पता नहीं चलता है, लेकिन आपके कमेंट से बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाता है कि आपको वीडियो के अंदर क्या चाहिए और हम क्या सुधार कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो आज पढ़ेंगे सी एस एस सेलेक्टर्स के बारे में। मैंने आपकी हमेशा की तरह जो है अपना कोड लेके रेडी कर रखा है, आपको जो है सिर्फ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा सी एस एस पर कितनी तरह के सेलेक्टर होते हैं और उनको किस किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो चलते हैं अपने वी एस कोड पर। यहाँ पर देखिए, मैंने अपने वी एस कोड पर सी एस एस की जो है फाइल बना रखी है और एक एच टी एम एल फाइल बना रखी है। एच टी एम एल की फाइल को सी एस एस से कैसे लिंक करते हैं और कितनी तरह की सी एस एस होती है, ये आपको इस वक्त डे 12 की वीडियो में देखना होगा, आप अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जो है हमने लिंक टैग से स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बनाई है, उसमें थोड़ी हमने कोडिंग करी है, इसको भी आपको समझाऊंगा अभी। और जो है हमने अपने जो एच टी एम एल कोडिंग कर रखी है, कितने तरह के सेलेक्टर्स होते हैं, सारे सेलेक्टर्स जो है मैंने अभी कवर कर रखे हैं। यहाँ पे जितने भी मेन मेन सेलेक्टर्स होते हैं वो सारे कवर कर रखे हैं। सी एस एस में बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मेन सेलेक्टर है, जो सेलेक्टर्स है 4 या 5, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनको आपको जो डेली में जो आपकी ईम्स आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्टर्स होते क्या है। सेलेक्टर्स की मदद से माध्यम से क्या कर सकते हो, एक एनिमेट को जो है डिज़ाइन कर सकते हो अपने सी एस एस के माध्यम से, क्योंकि आपको जब किसी एनिमेट को डिज़ाइन करना है, अपनी हेडिंग को डिज़ाइन करना है, तो आप सी एस एस के माध्यम से उसको कैसे करोगे, आपको बता रहे हैं तो पड़ा सी एस एस को कि हम जो एक एच वाइब को जो है स्टाइलिंग दे रहे हैं, या हम एच टू को दे रहे हैं, या पैराग्राफ को दे रहे हैं, उसको सेलेक्ट कैसे करोगे कि एच वाइब को सेलेक्ट कराओ, मैं पैराग्राफ को सेलेक्ट कराओ, उसको सेलेक्ट करने के लिए उस एनिमेट को हम यूज़ करते हैं सेलेक्टर्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास सेलेक्टर की। तो क्लास सेलेक्टर मैं यहाँ पर सबसे पहले करता हूँ इसको कमेंट ऑफ अनकमेंट करता हूँ ऐसे हमको। सबसे पहले देखिए हमने एक क्लास होती क्या है और किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसका आप भी देख लीजिए, यहाँ पर जो हम ब्राउज़र में चलेंगे, यहाँ पर देखिए टिशा पर उसके पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है येलो कलर। येलो कलर कैसे आ रहा है, अब आप जाएंगे अपने एस टी एल के सी एस एस के पेज पर। यहाँ पर देखिए डॉट टिशांत करके हमने एक क्लास बनाई थी, उसमें जो है आप देखिए बैकग्राउंड कलर हमें येलो दे रहा है। अभी आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह समझाऊंगा तो आप मुझे समझ में आएगा। सबसे पहले क्लास की बात करें, क्लास सेलेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एच वर्ड टाइम बनाया, उसके अंदर जो है टिशांत अग्रवाल नाम की जो है एक आपको दे दिया, कॉन्टेंट दे दिया, उसके अंदर हमने क्लास दी है। क्लास क्या होती है, क्लास के माध्यम से आप जो है किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। एक जब आप एक एलिमेंट को एक क्लास दे देते हो, उसको यूज़ करके आप जो है उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। क्या कि अब समझिए, एक एलिमेंट है एच वन एलिमेंट है, उसको मैंने क्लास दे दी टिशांत। अब सी एस एस से उसको कैसे यूज़ करेंगे, सी एस एस में जब हम जाएंगे तो क्लास को जब यूज़ करेंगे, क्लास में जब हम सेलेक्ट करेंगे तो डॉट का यूज़ करते हैं। जब भी हम अगर यहाँ पर मैं लिखूँ दोबारा से इस क्लास में कुछ लिखने जाऊँ, तो डॉट टिशांत जो हमें क्लास का नाम दिया है, डॉट लिखेंगे, क्लास को सेलेक्ट करने के लिए जा करके डॉट का यूज़ करते हैं, क्योंकि आगे आपको जो आईडी पढ़नी है उसमें आपको बताऊंगा उसकी लिखा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉट टिशांत ने यूज़ किया, और उसके अंदर जो है हम डालना चाहते हैं, जैसे कि अपनी बॉर्डर डालना चाहते हैं, बॉर्डर डालना चाहते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड रेड बॉर्डर डालना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो है बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड जो है रेड बॉर्डर जो है लग चुका है। क्यों लगा और किस तरह से लगा, हमने सी एस एस के माध्यम से इसको लगाया है। यहाँ पर देखिए पहले डॉट टिशांत में हमने बैकग्राउंड कर दिया, फिर डॉट टिशांत यानी कि टिशांत जो है क्लास है, उस क्लास को जो है स्टाइलिंग दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, डॉट लगा के। बस सिंपल से बात है, क्लास को अगर स्टाइलिंग दे डॉट लगाने लग जाएगी। अगर हम चाहूँ इसको जो है यहीं से जो है हम सेलेक्ट करेंगे, और आपके सामने इस वाली जो बॉर्डर की जो क्लास है, इसकी जो प्रॉपर्टी, इस एलिमेंट को जो है यहाँ से कट करके इसके अंदर ही जो है इसी सेम क्लास के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए इसको हटा देते हैं, यानी एक ऐसा नहीं है कि डॉट टिशांत में लेना तो सिर्फ एक को बैकग्राउंड दे सकते हैं, फिर डॉट टिशांत लेंगे, फिर मॉडल लिखेंगे, फिर डॉट प्रॉपर्टी लेंगे। एक ही क्लास एलिमेंट के अंदर हम जो है कई सारी जो है प्रॉपर्टीज को दे सकते हैं, कई सारी वैल्यूज को दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डॉट टिशांत के अंदर जो बैकग्राउंड दे दिया और बॉर्डर दे दिया, और दोनों जो है अलग से काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो है अब हम बात करते हैं अपने अगले काम की, क्लास में जो है क्लास में एक क्लास कितने भी एलिमेंट्स सी एस एस में एक क्लास कितने भी एलिमेंट्स को आप दे सकते हैं। कैसे, सी एस एस में आप जो है क्लास कितने भी एलिमेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन आई डी जो पढ़ेंगे अभी आगे, वो जो है आप एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए यही मैं दोबारा एच टू बनाता हूँ,
ये देखिए एच वन बनाया मैंने यहाँ पे, उसको क्लास दी टीशांत, ये एच टू बनाया इसको कुछ और कॉन्टेंट दिया, इसको भी मैंने क्लास दे दी टीशांत। तो अब क्या हुआ, जितनी भी जो एच टीशांत की जितनी भी जो प्रॉपर्टीज है सी एस एस की, ये जो इस क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो जो है एच टू को भी जो है लग जाएगी, एच टू को भी जो है सेम की जो है सेम प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड कलर में येलो और बॉर्डर जो है आपके सामने जो है आज का रेड कलर पर कोई सकता। इस तरह से जो है क्लास का आप कर दिए, एक बार क्लास का जो है बना लीजिए आप एलिमेंट, जो एक क्लास बना लीजिए और सी एस एस में, और उसको जिसकी एलिमेंट में उस क्लास को दे दोगे वही सारी प्रॉपर्टीज में उस एलिमेंट के अंदर अप्लाई हो जाएंगी। आइए तो आपके क्लास सेलेक्टर सॉल्व आ गया होगा। आगे बात करते हैं आई डी सेलेक्टर के बारे में। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी सारे सारे, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, जैसे क्लास सेलेक्टर है वैसे ही जो है आई डी सेलेक्टर। आई डी सेलेक्टर में क्या होता है, हमको आई डी का यूज़ करना होता है, यहाँ पर लिखिए हमने क्लास लिया आई डी और आई डी नहीं हेलो। आई डी को क्या है, आप एक एलिमेंट में दो से ज़्यादा एक आईडी आप दो एलिमेंट को सीएसएस में नहीं दे सकते, एक एलिमेंट को एक ही आईडी दे सकते हैं और उसी को जो स्टाइल कर सकते हैं। आईडी को यूज़ करने के लिए हमको जो है हैश का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैंने हैश का यूज़ किया और हेलो उसमें डाल दिया है, यानी कि हेलो हमारा आईडी का नाम है, जो आईडी का नाम है वो आपको हैश के शो करना है और बैकग्राउंड कलर में हम जो हमने एक्वा दे दिया। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर पर एक्वा आ चुका है, कॉन्टेंट में जो हेलो वर्ड है। यूज़ कैसे करनी है आईडी को, हैश के माध्यम से। क्लास को कैसे यूज़ करेंगे, डॉट के माध्यम से। याद कर लीजिए क्लास को डॉट से एक्सेस करेंगे और आईडी को हैश से जो है एक्सेस करेंगे। अगर मैं दोबारा एक बार जो इसमें एलिमेंट आओ हेलो में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें बॉर्डर लगाऊँ टू पिक्सल का सॉलिड ब्लैक ब्लैक वाइट बॉर्डर ला देते हैं इसमें, इसमें लिखा है ये देखिए जो है यहाँ पर जो है बॉर्डर लग चुका है। इस तरह से जो है आपको हैश का यूज़ करना होगा जब भी आप आईडी को यूज़ करेंगे। आई होप आपको जो समझ आ गया होगा किस तरह से आईडी और सेक्टर काम करेंगे। यहाँ पर देखिए अब मैंने आपको कहा कि एक ही एलिमेंट में आप एक ही आईडी दे सकते हैं, अगर आप दूसरे एलिमेंट में भी यही सेम आईडी दें तो क्या होगा, ये देखिए क्या सेम अमाउंट आएगा क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो है हमने अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो सारी जो प्रॉपर्टीज है जो हमने एक एलिमेंट को दिए वही दूसरे एलिमेंट को भी लग चुकी है। या भाई ये क्यों हो रहा है, मैं तो भी कह रहा था कि जो है एक एलिमेंट को एक ही आईडी दे सकते हैं, हाँ, लेकिन दूसरे को जब आप आईडी दोगे वही सेम आईडी वो सारी प्रॉपर्टीज़ में जो है लग तो जाएंगे, लेकिन सी एस एस में एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है ये। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आगे तक बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आईडी का जो स्पेसिफिक मतलब है, आईडी मतलब है आइडेंटिटी, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी क्या है उस एलिमेंट की, उसको ही जो हम स्टैंडिंग कर रहे हैं। अगर हम सारे एलिमेंट्स को जो है ऐसे ही एक ही आईडी से कर देंगे तो अगर हमको एक एलिमेंट में इस वाले एच वन में अगर स्टैंडिंग कुछ करनी होगी तो वो सारे के सारे जो है हमारे इस बार दूसरे वाले एलिमेंट में जो सारे सारी जो है अप्लाई हो जाएगी। तो हमको जो है आईडी सिर्फ एक ही देनी होती है एक एलिमेंट के अंदर, और क्लास जो है जो हम यूज़ करते हैं तो हम ऐसी क्लास यूज़ करते हैं जिनमें हम जो है बहुत सारे एलिमेंट्स को पीक करेंगे जो प्रॉपर्टीज और जो क्लास देना चाहते हैं, इसलिए हम क्लास का यूज़ करते हैं। और आईडी को जब हम यूज़ करते हैं तब जो वो एक ही एलिमेंट को जो है सिंगल तरह की प्रॉपर्टीज़ को जो है देना हो या अप्लाई करना हो, इसलिए जो है हम आईडी का यूज़ करते हैं। आगे बात करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमने एक पैराग्राफ टैग लिया है, यहाँ पर पैराग्राफ टैग आ चुका है। अब पैराग्राफ टैग पर जो कुछ कॉन्टेंट लिख दिया है, पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्टर में मतलब होता है आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करके एलिमेंट को लिख के तो उस पर स्टैंडिंग दे रहे हो। तो हमने पी टैग लिखा, पी लिखा सिर्फ, और पी पे जो है अपने कर्ली ब्रेसेस लगा के जो बैकग्राउंड कलर को रेड दे दिया, इसलिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड आ चुका है। इस तरह इसको कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करके आप स्टैंडिंग देना। अगर आप किसी और एलिमेंट को चाहते हो जैसे एच वन को देना चाहते हो तो एच वन लिखोगे कर्ली ब्रेसेस लगा और उसको बैकग्राउंड कलर में जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप इसको दे सकते हो। अभी हमारे जो एच वन कोई है नहीं, यहाँ पर ऐसे करते हैं एक एच वन जो है क्रिएट कर लेते हैं इसके नीचे, एच वन में जो है ये डाल दिया हमने हेलो, और यहाँ पर देखिए हेलो डाला और उसके जो एच वन को जो है हमने एलिमेंट सेक्टर से जो है सेलेक्ट किया है, ना तो हमने इसको क्लास दी है ना आईडी दी है, हमने इसको एच वन को एच वन सेलेक्टर से जो है एलिमेंट से जो है सेलेक्ट किया सी एस की मदद से और उसको जो है प्रॉपर्टी दे दी है। इस तरह से जो है आप एलिमेंट सेक्टर का भी जो है यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको जो है क्लास आईडी और एलिमेंट सेक्टर तीनों समझ में आ चुके होंगे। आगे बात करते हैं हमने एक दूसरे टैग के बारे में, जो दूसरे सेलेक्टर के बारे में देखो रहते हैं आप दोस्तों ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, उनमें दोस्तों आपको दो प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक डिव लिया है और डिव के अंदर पैराग्राफ लिया है, यहाँ पर एक डिव लिया है डिव के अंदर पैराग्राफ लिया है उसको क्लास दे दीजिए, इस क्लास को जरूरत नहीं इसको डाल देते हैं ऐसे, याद नहीं देखिए पैराग्राफ लिया है लॉरेन टेक्सअप डोलर, यहाँ पर तीन वर्ड हमने डाल दिए हैं पोस्टकॉटन डाल दिया, इस तरह से जो हमारा शो कर रहा है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड कलर में आपको देखने को मिलेगा जो है येलो आ रहा है, अब हमने जो है पैराग्राफ में रेड दे रखा तो रेड आना चाहिए। अब हमने क्या किया है यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, डिव के अंदर जो है डिव के अंदर जाओ और डिव के अंदर जाने के बाद जो है इसको मैं कमेंट लिख के दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहोगे डिव, क्योंकि आपका पेरेंट एलिमेंट क्या है डिव, डिव के अंदर जाओ, यहाँ पर देखिए ये है ना डिव, डिव है डिव के अंदर पी है पैराग्राफ, डिव के अंदर जाओ फिर स्पेस दोगे फिर पी लिखोगे फिर जो है कर्ली ब्रेसेस लगाओगे फिर जो है प्रॉपर्टी दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया, और पेरेंट एलिमेंट सबसे पहले लिखोगे फिर पी लिखोगे, अगर पी के अंदर एच वन होता और तो ऐसा क्या करते हैं पी के अंदर लिया एच वन होता है, यहाँ पर ऐसा करते हैं यहाँ पे पी के अंदर एक बार एच वन ले लेते हैं इसको एरो दे देते हैं, ये देखिए ठीक है
पी के अंदर एलो आ गया। अब क्या करेंगे, डिव के अंदर पी है, डिव के अंदर पी है। अब डिव के अंदर जो पी है उसकी एच वन को सेलेक्ट करेंगे और एच वन को बैकग्राउंड कलर पर ब्लू दे देंगे। तो यहाँ पर दीजिए, एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा दोबारा से। डिव के अंदर जो पी है उसके एच वन को जो है कलर देंगे ऐसे। यहाँ पर दोस्तों मैं देखने की इसको कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप बताऊँ कि नहीं लगेगा ये वन डिव के अंदर पी दिया है, क्योंकि इसमें जो है डिव के अंदर पी एच वन दे सकते हैं, लेकिन इसको स्टाइलिंग करने में जो है पेरेंटिंग एलिमेंट की थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए अगर हम इसको स्टाइल करना चाहते हैं इसको क्या करेंगे, हम बाहर से अलग से स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हम दिया इसको तो एच वन डाल के हम इसको जो है अलग से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको येलो दे दिया इस तरह से, इस तरह से जो है हम इसको येलो दे सकते हैं। तो आम जो है एक पेरेंट के अंदर पेरेंट में जा सकते हैं। ये दोनों पी और एच वन की जो सेम प्रॉपर्टीज है, इसलिए जो है पी के अंदर एच वन काम ही कर रहा है। डिव जो है इससे पी से ऊपर आता है, इसकी जो है थोड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी ऊपर होती है, इसलिए जो है डिव के अंदर पी बोल सकते हैं, पेरेंट के अंदर चाइल्ड बोल सकते हैं। ये दोनों चाइल्ड चाइल्ड जाते हैं, इसलिए जो इसको नहीं रखते। अगर आपको इसको बदल करना है तो उसमें लॉरेंट जो है थोड़ा नहीं दिखते हैं, लॉरेंट जी लिख देते हटा इसको बताते हैं, लॉरेंट जी वहाँ थोड़ा कंटेंट आ चुका है। अब हमने क्या किया, पैराग्राफ टैग के अंदर जो है ब्लू कलर डाल दिया है बैकग्राउंड कलर से, और एच वन के अंदर भी येलो कलर डाल दिया, एच वन भी बनाया नहीं इसको डाल देते हैं। तो आई हुआ आपको क्लास आई सेवन में होगा, ग्रुपिंग सेवन में आ गया, एक बार बताओ क्लास टैग है, और आपको एलिवेट भी मैंने आपको समझा दिया है, इसको भी हमेशा बना देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे ती जो हमने और लिख रखे हैं कुछ, और सेलेक्टर्स में कुछ भी नहीं है दोस्तों, सेलेक्टर्स बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप जो है पूछ सकते हो। मेन जो है आपके काम आते हैं तीन सेलेक्टर या चार सेलेक्टर, क्लास आई डी और एलिमेंट, ये आपके तीन सबसे ज़्यादा काम आते हैं। आगे बात करते हैं आपकी, यहाँ पर ये भी ग्रुपिंग सेलेक्टर में आता है। यहाँ पर देखिए एस टू एस थ्री और एस फोर, हमने तीन जो है हेडिंग बना ली है इस तरह से हम दे सकते हो, और इन तीनों को जो है कुछ प्रॉपर्टी हमने दी है। क्या प्रॉपर्टी दी है, यहाँ पर देखिए इन तीनों को जो है हमको सेम प्रॉपर्टी देनी है। तो हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे सेलेक्टर्स में, कॉमा का यूज़ करेंगे, एस टू एस थ्री और एस फोर इन तीनों को बैकग्राउंड कलर दे दो भरे, और या अगर कलर को चेंज करना चाहें रेड करना चाहें रेड दे सकते हैं, यहाँ से जो आप दे सकते हो रेड दे दिया हमने। तो इस तरह से जो भी है आप सी एस एस को स्टाइलिंग कर सकते हो। अगर आपको सेम एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टी देनी हो तो आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हो, तीनों एलिमेंट को हमने जो एक ही सेम प्रॉपर्टी दे दी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमको एस टू वगैरह देनी पड़ती, इस तरह से एस टू वगैरह एस टू वगैरह देनी पड़ती, फिर जो एच थ्री अलग बना इस तरह से फिर जो उसको अलग देते, इस तरह से जो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता और काफ़ी ज़्यादा कोड हमको रखना पड़ता है। लेकिन इस सेलेक्टर्स की वजह से हमने कॉमा का यूज़ किया और जो है हमने सारे सेलेक्टर्स को जो है एक बार सेलेक्ट कर लिया। ऊपर बात करते हैं एक और सेलेक्टर्स का हमें देखने पड़ता है, ये देखिए स्टार इसको कहते हैं, वैसे इस यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर यानी कि ऐसा सेलेक्टर जो कि पूरी सारे के सारे एलिमेंट्स में जो है लाइक हुआ जो है आपके एचटीएमएल के एलिमेंट में सारे सारे प्ले हुआ। जैसे कि हमने जो है स्टार सेलेक्टर में क्या रखा है, स्टार आपको पता ही होगा जो आपके एट नंबर होता है, सिफ्ट एट दबाओगे तो आपको जो है स्टार मिल जाएगा, इसको भी एस्ट्रिक्स भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है मार्जिन जीरो दे रखा है, अगर हम जो है इसकी पैडिंग भी जो है जीरो कर दें या फिर और कुछ भी करना चाहते हो पैडिंग कर सकते हो, इसकी जीरो हो चुकी है। अभी आपका समझ नहीं आया होगा कि मार्जिन पैडिंग क्या होती है, लेकिन आपको जब बाद में जाकर आपको समझ आ जाएगा जब मैं आपको पूरा का पूरा जो सीरीज पढ़ाऊँगा, इस तरह से मैं इसको पहले एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको सीधे अब बताता हूँ आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होगा कि आपकी जितनी आप जो है पूरे के पूरे एस टी ओ पेज को एक ही बार में अगर सेम प्रॉपर्टी देना चाहते हो, यानी पूरे एस टी ओ पेज के मार्जिन को जीरो करना चाहते हैं, पैडिंग को जीरो करना चाहते हैं, पूरे एस टी ओ पेज पर जो है हम जो है एक्वा कलर देना चाहते हैं, लोग एक्वा कलर दे दिया। तो आप देख सकते हो पूरे एच डी को जब एक्वा कलर दे दिया है, यहाँ पर देखिए इधर से हम जो है को इनको जो है इधर से हटा देते हैं इस तरह से। अब देखिए पूरे एच डी को जो हमने एच डी में जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर के माध्यम से जो है दे दिया है बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या करते हैं, जब हम किसी भी पूरे पेज को सेम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं कि इसके अलावा कुछ और बात करना, इन वाले यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो है दो तीन चार प्रॉपर्टी सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे कि पूरे के पूरे पेज को एक ही तरह का फॉन्ट चला जाता है कि हमारे पूरे के पूरे पेज में एक ही तरह का फॉन्ट चले, ये वाला फॉन्ट चले तो ये वाला फॉन्ट जो है हमारे पूरे पेज पर चलेगा। इसके अलावा वो वाला फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हो तो वो नहीं चलेगा, चल सकता है चेंज भी हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा वो आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। मतलब उन्हें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अगर आप शुरुआत नहीं दोगे फॉन्ट फैमिली कि हमको ये वाले फॉन्ट चाहिए सारे, तो है आपको बार बार लिखना पड़ेगा कि आपको ये वाला फॉन्ट ये वाला फॉन्ट, तो एक ही बार लिख दो यूनिवर्सल सेलेक्टर में और वही जो है प्रॉपर्टी आपके पूरे पेज पर अप्लाई हो जाएगी। आई होप आपको जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आई डी सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर, एनिवर्सल सारे सब आगे होंगे। अलग अलग तरीके और सेलेक्टर्स भी होते हैं जो कि मैं आपको आने वाली इमेज में बताऊँगा, लेकिन मेन जितने भी होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आप समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, और आपको कोई अगर प्रॉब्लम हुई हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो में खत्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।